Correcta. Namo Namaha. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गंगा तरंग रमणी यजताकलापम गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वैदिक विज्ञान सप्तदिवसीय राजकीय कार्यशाला जो कि वैदिक गणित पर आधारित दिनांक 17 से लेकर के आज तक जिस कार्यशाला विभिन्न आयामों की चर्चा हुई आज उसका संपूर्ति सत्र है और इस संपूर्ति सत्र में हमारे भारत के तुल्य ऐसे आचार्य उपस्थित हैं जिन्हें हमारे इस कार्यक्रम के जो सूत्र संयोजन संपन्न हुआ प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य सुशोभित हैं और और हमारे बीच में विराजमान ऑनलाइन प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जो कि वास्तु के साथ साथ ज्योतिष के भी विद्वान है और वर्तमान में आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में कुलपति पद पर सुशोभायमान है। और उसके साथ ही हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा उत्थान नई दिल्ली के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे और इसके साथ ही श्री दिनेश चंद्र जी वरिष्ठ सदस्य सलाहकार समिति है वैदिक विज्ञान केंद्र के, वे भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे जो कि संबंधित है विश्व हिंदू नई दिल्ली से। और आज की अध्यक्षता हमारे माननीय गुरु गुरुजी प्रोफेसर बिंदेश्वरी मिश्र जी जो कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के निकाय प्रमुख हैं, आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आप हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत। और उसके साथ ही धन्यवाद जो ज्ञापन करेंगे वो शशिकांत मिश्र जी करेंगे जो कि गणित विभाग में आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं आप विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और मैं डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई सहायक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप सब अतिथि गणों का इस वेबिनार में के संपूर्ति सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम का मैं प्रारंभ करते हुए हमारे यहाँ की जो परंपरा है रीति है वह वैदिक मंगलाचरण से है और वैदिक मंगलाचरण का ही जो है हमारे यहाँ सर्वाधिक महत्व है, तो वेद मंत्र के मंगलाचरण के साथ मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। और वैदिक मंगलाचरण के लिए हमारे यहाँ के वेद विभाग के जो शोध छात्र हैं श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, मैं उनको उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आए और वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। सरस्वती प्रिये प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसि प्रेयसि प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसि प्रिये प्रेयसि प्रेयसि
प्रिय प्रिय प्रेयसि महि महि प्रेयसि प्रिय प्रिय प्रेयसि महि प्रेयसि महि महि प्रेयसि प्रेयसि महि विश्रुति विश्रुति महि प्रेयसि प्रेयसि महि विश्रुति महि विश्रुति विश्रुति महि महि विश्रुत्येतान्येतानि विश्रुति महि महि विश्रुत्येतानि विश्रुत्येतान्येतानि विश्रुति विश्रुत्येतानि तेत एतानि विश्रुति विश्रुत्येतानि ते विश्रुतेति विश्रुति एतानि तेत एतान्येतानि ते अग्निये अग्नियेत एता नेतानि ते अग्निये ते अग्निये अग्निये ते दे अग्निये नामानि नामानि ते ते अग्निये नामानि अग्निये नामानि नामान्यग्निये अग्निये नामानि सुकृतकं सुकृतं नामान्यग्निये अग्निये नामानि सुकृतं नामानि सुकृतकं सुकृतं नामानि नामानि सुकृतं मामा सुकृतं नामानि नामानि सुकृतं मा सुकृतं मा सुकृतकं सुकृतं मा देवेषु देवेषु मा सुकृतकं सुकृतं मा देवेषु सुकृतमिति सुकृतं मा देवेषु देवेषु मा देवेषु ब्रूतात् ब्रूतात् देवेषु मा देवेषु ब्रूतात् देवेषु ब्रूतात् ब्रूतात् देवेषु देवेषु ब्रूतादितीति ब्रूतात् देवेषु देवेषु ब्रूतादिति ब्रूतादिते ब्रूतात् ब्रूतादिति देवेभ्यो देवेभ्य इति ब्रूतात् ब्रूतादिति देवेभ्यः इति देवेभ्यो देवेभ्य इति देवेभ्य एवैव देवेभ्य इति देवेभ्य एव देवेभ्य एवैव देवेभ्यो देवेभ्य एवैनमेनमेव देवेभ्यो देवेभ्य एवैनम् एवैनमेनमेवैवैनमेनमेवैवैनमा वेदयति आवेदयति वेदयत्यावेदयत्यन्वनुवेदयत्यावेदयत्यनु वेदयत्यन्वनुवेदयति वेदयत्यन्वेनमेनमनुवेदयति वेदयत्यन्वेनम् अन्वेनमेनमन्वन्वेनम् देवा देवा एनमन्वन्वेनम् देवाः एनम् देवा देवा एनमेनम् देवा बुध्यन्ते 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 धन्ते बुध्यन्त इति बुध्यन्ते श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे वैदिक मंगलाचरण के अनंतर हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है वह कुलगीत होता है और हमारे बीच वीडियो कर दो पहले प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य जी गायन विभाग से संगीत एवं कला मंच संकाय के मध्य हमारे बीच विराजमान है प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे विश्वविद्यालय का कुलगान करें। प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य जी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सुख्यान
बोला कि अभी बोलवा देना नहीं नहीं चाय पिला दो नए नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्व सृष्टि की राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा की सत्य पहने फिर आत्मरक्षा बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर की सत्य वाणी बनी जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी व मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही फले फूले बुद्ध शंकर ये राज ऋषि की राजधानी राजधानी सुरम्य धारा के वरुणास्ति नहाए जिने में कबीर तुलसी भला हो कविता क्यों न आकर ये वाग विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राचीनता मेर सुंदर ये विश्व विद्या की राजधानी राजधानी यमालवीय जी की देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी अब सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य जी का आपका कुलगीत और इस सप्तदिवसीय वैदिक विज्ञान के केंद्र से जो गणित के ऊपर
वेबिनार का जो सूत्रपात हुआ, क्योंकि शास्त्र कहता है पत्युः सूत्रवत् आचरेत, जो स्वामी होता है वह सूत्रवत् कार्य करता है, किसी कार्य को बहुत संक्षेप में कहता है और वह अनुगामी लोग उसको जो है उसका व्यापक रूप तैयार करते हैं। और इसी प्रकार से जो सूत्रवत् इस कार्यक्रम को जिन्होंने माध्यम से हम लोगों ने 7 दिनों तक सुना, ऐसे प्रोफेसर स्वनाम धन्य हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जो समन्वयक हैं वैदिक विज्ञान केंद्र के और साथ ही साथ वेद विभाग के प्रोफेसर भी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय में। आपका का इस कार्यशाला में आपके द्वारा ही समन्वयक हैं, फिर भी मैं आपको जो है संचालन की ओर से स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है हमारे बीच में कार्यशाला का जो प्रतिवेदन है वह उपस्थापित करें। प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, गुरु जी आपका जो है उद्बोधन। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेधाम मे वरुणो ददातु मेधाम अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् चरणम् प्रपद्ये। सप्त दिवसीय वैदिक गणित विषयक राष्ट्रीय वेबिनार के आज संपूर्ति सत्र के इस पावन महोत्सव के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैदिक विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ सलाहकार, विश्व हिंदू परिषद के प्रधान संरक्षक तथा हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के अहर्निश हमारे इस केंद्र के विषय में चिंतन करने वाले माननीय दिनेश जी बड़े भाई साहब, आपका मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी क्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री अतुल कोठारी भाई साहब, आप राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, आप भारतीय प्राचीन विद्या का अहर्निश जो देश में आज एक अनुगूंज सुनाई पड़ रही है और जो नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार के द्वारा जो बनाई गई है उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वैदिक विज्ञान केंद्र और वैदिक गणित पर आपके ही द्वारा आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ऐसे मनीषी विद्वान हमारे बीच आज इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सप्त दिवसीय जो सेमिनार के जो मूल हम उसको मूल पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, जो मूल प्रशिक्षक हैं, प्रधान प्रशिक्षक हैं, जिन्होंने इस सारस्वत यज्ञ को आज संपूर्ति की ओर हम हैं, इसके मूल रूप से प्रोफेसर विश्वकर्मा जी, कैलाश विश्वकर्मा जी, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के यशस्वी संकाय प्रमुख गुरुवर प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी, मैं आपका वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रोफेसर शशिकांत मिश्र जी, जिन्होंने ही इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रेरणा दी, प्रस्ताव दिया कि इसको कार्यक्रम हम लोग संपन्न किया जाए, मैं इस अवसर पर आपका
आज संपूर्ति सत्र है, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के संचालक, हमारे विभाग वैदिक विज्ञान वेद विभाग में नवनियुक्त सहायक आचार्य डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जो कुलगीत गायन की प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य जी, जो हमारे इस केंद्र से भी जुड़ी रहती हैं और अन्य अन्य कार्यक्रमों में आपकी सहयोग रहता है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे शोध छात्र श्री त्रिपाठी, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। एवं जितने भी प्रतिभागी जो अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापक हैं, अध्येता हैं, शोध छात्र हैं और अनेक छात्र एवं प्रशिक्षार्थी गण इसमें भाग ले रहे हैं, लगभग 2000 की संख्या में लगभग हमारे पंजीयन हुए हैं इस वेबिनार के कार्यशाला में। मैं सबका समवेत रूप में आज संपूर्ति सत्र में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसका इस वेबिनार का उद्घाटन और औद्घाटनिक जो अभिभाषण जो है वह पूर्वाम नाय पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज गोवर्धन मठ पूरी के द्वारा हुआ और आपके आशीर्वचनों में बहुत कुछ है हमें प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है कि वैदिक गणित का जो प्रवर्तन उसी पीठ के द्वारा भारती तीर्थ जी महाराज के द्वारा किया गया था और वह केंद्र, वह पीठ जो है वैदिक गणित पर काफ़ी कार्य उस पीठ के द्वारा किया गया है। तो हमारे बीच उद्घाटनिक भाषण के क्रम में अभिभाषण एवं आशीर्वचन जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा प्राप्त हुआ। आपने अपने अभिभाषण में बताया था कि पैथागोरस जो प्रमेय जो है वह वेद के बौधायन प्रमेय के रूप में ही हम उसको जानना चाहिए क्योंकि यह बौधायन ऋषि के द्वारा प्रणीत है। उसी प्रकार से उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण विषय वैदिक गणित की जो द्वयंकन पद्धति जिसको अंग्रेजी में जो है बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिस पर आज दुनिया के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं, वह इसी वैदिक के द्वारा ही उसका उद्भव हुआ है और उसके मूल में वह वैदिक गणित के ही फार्मूले हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को बताया कि समय, श्रम, सामग्री व सहयोग की बचत करते हुए सरलता और पारदर्शिता से जटिल समस्याओं का हल जो है वह इन वैदिक गणित से हम निकाल सकते हैं। पूरी पीठ जो है वैदिक गणित पर 1542 पृष्ठों का एक ग्रंथ तैयार किया है जिस पर शोध जो है 15,000 पृष्ठों तक, उस पर काम किया जा सकता है। वैदिक गणित के 38 सूत्र हैं जिन्हें पीठ से बढ़ा करके 141 सूत्र तक पहुंचाया है। वेबिनार के मुख्य वक्ता वैदिक गणित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संरक्षक तथा इस वेबिनार के प्रशिक्षक प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी ने बताया कि अंक गणित, रेखा गणित एवं बीज गणित में जटिलतम प्रश्नों को वैदिक गणित के माध्यम से क्षण भर में हल किया जा सकता है। उन्होंने अथर्ववेद के कई मंत्रों का उल्लेख किया जिसमें अंकों का वर्णन है। आप सभी जानते हैं कि वेदोखिलो धर्म मूलम सर्वज्ञानमयो ईशः वेदात् सर्वं प्रसिद्धति आदि सारे जो ज्ञान विज्ञान है वह वेदों में है और वेदों में वैदिक गणित या अंक गणित कहिए, बीज गणित कहिए, ज्यामिति आदि सारे जो सिद्धांत हमें उसके कल्प वेदांग शुल्व सूत्र आदि तथा संगीता आदि ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होता है। मैं यहाँ क्षमा चाहता हूँ, हमारे इस कार्यक्रम के जो सारस्वत अतिथि है उनका नाम मैं भूल गया था, मैं पुनः नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी,
कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, आप ज्योतिष शास्त्र के तथा वास्तु शास्त्र के राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति लब्ध विद्वान है तथा आपका वैदिक अभूतपूर्व कार्य है। मैं आपका इस वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता और स्वागत करता हूं। हमारे इस सप्त दिवसीय वेबिनार में ऐसे सूत्रबद्ध रूप में ही कहना अच्छा होगा क्योंकि समय कम है। हमारे जो इसके मुख्य प्रशिक्षक प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी ने जो है प्रथम दिन से ही पहले दिन जो है उन्होंने वैदिक गणित और उसका परिचय, द्वितीय दिवस में जो है उन्होंने वर्ग की विधियों पर परिचर्चा किया और उसको उसको श्यामपट पर जो है उल्लेख करके एक तरह से बताया भी और प्रतिदिन जो है उसको वह सारे हल करना और प्रश्न देना और फीडबैक लेना और प्रत्येक दिन जो है अंतिम क्रम में जो है छात्रों का जो है प्रश्नोत्तर का क्रम भी होता था। तो इस प्रकार से तृतीय दिवस पर उन्होंने तृतीय और चतुर्थ दिवस पर जो है वह गुणा पर जो है उनकी उनका व्याख्यान था और पंचम दिन पर जो है पंचम दिवस में घन की विधियां, पंचम दिवस में वर्गमूल व घनमूल और आज उनका उनका भी अभिभाषण होगा, विविध लाभ जो हमें इस वेबिनार के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध करूंगा कि आपने जो इसमें पाया उसको निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। अनेक हमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर के अनेक प्रोफेसरों का हमारे पास फोन भी आया कि हमें इस वेबिनार के माध्यम से बहुत हमें लाभ प्राप्त हुआ है और आप इसके आगे के पाठ्यक्रम को भी आगे इसको निरंतरता रखें। तो मैं निवेदन करूंगा विश्वकर्मा जी से और कोठारी भाई साहब से भी कि हमें कि इसको आगे हमें सहयोग मिलेगा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए समवेत रूप से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी का आशीर्वाद और उनका इस केंद्र के प्रति सदैव हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। आज वह किसी विशेष कार्यक्रम में रहने के कारण उन्होंने क्षमा एक तरह से मुख्य अतिथि और सभी से कहा कि मेरे तरफ से यह निवेदन करिएगा कि मेरी व्यस्तता के कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं मन से आपके इस केंद्र और इस आपके कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। मैं उनके प्रति भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सार गर्भित शब्दों में सबका जो है स्वागत करते हुए सप्त दिवसीय कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सबके सामने रखी और इसी क्रम में मैं आज जो हमारे वैदिक विज्ञान के वरिष्ठतम सदस्य भी हैं इस सलाहकार समिति के श्री दिनेश चंद्र जी जो कि संरक्षक हैं विश्व हिंदू परिषद से, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है अपनी बात को हमारे समक्ष रखें जिससे कि हम लोग इस कार्य को और आगे निरंतर रूप में कर सकें। श्री दिनेश चंद्र शास्त्री जी, दिनेश चंद्र जी। मैं परम पूज्य शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद जी को सादर साष्टांग प्रणाम करता हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी भटनागर जी को, मुख्य वक्ता अन्य और सब जितने भी इस सात दिवसीय वेबिनार में भाग लेने वाले सभी को ही सादर प्रणाम करता हूं और जो इससे जुड़े हुए 2000 या उससे अधिक ऐसे सभी सहभागियों को भी सादर प्रणाम करता हुआ केवल और केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा आप सबके बीच में निरंतर संपर्क और संबंध बने रहने के कारण से जो मेरा मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहता है
उसमें से वेद या वेद से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, क्योंकि वेद में स्वयं ही सृष्टि उत्पत्ति से प्रलय तक के सब विषय आ ही जाते हैं और उसमें वैदिक गणित, तो मैं तो अपने हाई स्कूल इंटर तक भी गणित में सबसे कमजोर छात्र रहा हूँ, तो मैं उस वैदिक गणित में क्या समझूंगा। परंतु आप सबका प्रेम स्नेह और ऐसी स्थिति में हमारे अतुल कोठारी जी वैदिक गणित के वैसे भी बहुत मर्मज्ञ हैं, जैसा अभी अपने माननीय उपेंद्र त्रिपाठी जी ने भूमिका में ही विषय रखा कि किस प्रकार से वैदिक गणित के कारण और क्या क्या कितने सुविधाएं और लाभ मिलते हैं, बड़े बड़े अंकों को भी किस प्रकार से बहुत कम समय में निकाल लेते हैं। तो हम तो श्रोता हैं, श्रवण करते हैं, आप सब जो बोलेंगे उसको सुनेंगे समझेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बाबा विश्वनाथ हम आप सब पर कृपा बनाए रखें और इस प्रकार का वैदिक विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार से जो आयोजन होता है विस्तृत होता उसको पूरा करते रहे। मैं आने और कुछ न कहते हुए आप सबकी सुनाए और यह सेमिनार अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार से अन्य अन्य विषयों को लेकर के शोध क्षेत्र करते कराते हुए विषयों को आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं प्रार्थना और कामना करता हूं। पुनः सभी को ही मैं सादर प्रणाम करता हूं। अभी बंद वीडियो बंद। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सारगर्भित शब्दों में संक्षेप में अपनी बात हमारे बीच में रखी। अवश्य ही हम इस वैदिक गणित को इस विज्ञान केंद्र के माध्यम से वेद से जोड़ करके दुनिया के सामने एक नए रूप में उपस्थापित करेंगे भविष्य में, ऐसी हम सब की आशा है। और इसी क्रम में कार्यशाला जिनके माध्यम से सप्त दिवस के आज संपूर्ति सत्र तक आ पहुंची है, जिन्होंने कार्यशाला में हमें वेद के अंदर निहित जो गणित का तत्व है उसको किस तरह से हम लोग अपने जीवन में उतार करके बड़े से अंक को छोटे रूप में समझ सकते हैं या उसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, उसके अनेक प्रकार के, चाहे वह बीज गणित हो, अंक गणित हो, चाहे वह ज्यामिति का फार्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्या माँ सरस्वती भगवती, संपूर्ति कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी, सारस्वत अतिथि प्रोफेसर देव प्रसाद त्रिपाठी जी, मुख्य वक्ता माननीय अतुल कोठारी जी, मुख्य अतिथि माननीय दिनेश चंद जी, वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक और इस अंतरजाल कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, इस कार्यशाला के आयोजन सचिव प्रोफेसर शशिकांत मिश्र जी, वैदिक विज्ञान केंद्र के अन्य सहयोगी प्राध्यापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, इस कार्यशाला में समुपस्थित विविध संस्थानों के विद्वान आचार्य आचार्याएं, प्रिय छात्रों छात्राओं, पत्रकार बंधु भगिनी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। आगे उन्होंने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मानव शरीर है,
84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जो पुण्य संचित होते हैं उसके फलस्वरूप प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, जिस देश में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं और वो कहते भी हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे परगा पवरगा इस्पदे हेतु भूते भवंत भूयाः पुरुषाः सुरत्वात्। देवता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मन, हमको भारत में जन्म दो। अपने इस भारत देश की विशेषता है कि यहाँ पर साक्षात परमात्मा प्रकट होते हैं। अन्य देशों में उनका दूत आता है, उनका पुत्र आता है, लेकिन यहाँ वो साक्षात अवतरित होते हैं और इस शरीर से परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो भारतवर्ष में जन्म लेना आवश्यक है, अपरिहार्य है, अनिवार्य। तो हम सब ईश्वर के अंश हैं। भगवान ने हमको मानव रूप में जन्म दिया है और जिस धरा में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, ऐसे भरत भूमि में हम सबका अवतरण हुआ है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए हम सब इस धरा पर आए हैं, भारत भूमि में आए हैं। और वह विशिष्ट कार्य इन सात दिनों से जो हम तपश्चर्या कर रहे हैं वैदिक गणित के माध्यम से, उसके लिए हम सब यहाँ अवतरित हुए हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में विचार करते हैं थोड़ा। क्या ये सिद्धांत सुस्पष्ट है? क्या इसमें क्रियापदों की संख्या, चरणों की संख्या घटी है या बराबर है? जब हम ऐसा कह रहे हैं तो प्रचलित पद्धति से जो हम काम करते हैं और वैदिक गणित से जो काम करते हैं उसमें क्रियापद कितने घटे हैं, ये जो गणनाएं हैं कितनी सरलता से और सहजता से हम कर सकते हैं? गणित के जो प्राथमिक सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या वैदिक गणित की रीत से हम कर सकते हैं क्या? इन 5 प्रश्नों पर हमको विचार करना चाहिए। अगर इनका उत्तर सकारात्मक है तो इस दिशा में हम सब आगे बढ़ें और वैदिक गणित के प्रचार प्रसार में हम सब अपनी शक्ति बुद्धि क्षमता का उपयोग करें और अपने पराक्रम की पराकाष्ठा करें, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। दुनिया का सर्वेक्षण है कि जो छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं सर्वाधिक संख्या गणित के कारण से होती है। और इतना ही नहीं, अनुत्तीर्ण होने के कारण से आत्महत्या भी बहुत करते हैं। अगर हम वैदिक गणित का प्रचार प्रसार करेंगे तो जो गणित का भय है, गणित का जो बुखार है, वो हम दुनिया से दूर भगा सकेंगे और अपने नौनिहालों को, नई पीढ़ी को आत्महत्या से बचा सकेंगे। जो भी हमने सीखा है इसका सतत अभ्यास करना और प्रयास ये करना कि अभी हमको कागज कलम लेकर रहना पड़ता है, इनको मौखिक हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पुरखे सारी गणनाएं मौखिक करते थे और अभी तक तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं थे। अब हमारे पास एक ही प्रश्न हल करने के अनेक विकल्प हैं और जो सर्वोत्कृष्ट विकल्प है उसका उपयोग करके कम समय में, कम श्रम में हम उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उद्घाटन सत्र में एक ऋचा बोली, ओम खम ब्रह्म, प्रणवाक्षर और ब्रह्मवाचक जो शब्द है उसको खम के अर्थ में प्रयोग किया है। खम को आकाश भी ज्योतिष के ग्रंथों में कहा है और शून्य के अर्थ में भी है। ये सृष्टि की रचना शून्य से मिलकर हुई है, शून्य से सृष्टि की रचना हुई है और हमारे अंकों की रचना भी शून्य से मिलकर हुई है, मिलकर यानी जोड़कर। तो इस ऋचा से जो हमारा अष्ट परिक्रम का
पहला कार्य है जोड़ना, वो इस ऋचा से आता है। और अगर जोड़ना भी है तो विपरीत विचार करेंगे तो घटाना भी यहीं से है। जो हमारी पहली ऋचा है ओम खम ब्रह्म, शून्य से सोने की संकल्पना, जोड़ने घटाने की संकल्पना, और इतना ही नहीं तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो हम लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, जिसमें शून्य धन शून्य, शून्य ऋण शून्य, शून्य में शून्य का गुणा और शून्य में शून्य का भाग, ये सीमा और सातत्य में हम पढ़ते हैं अवकल गणित में, उसकी भी संकल्पना यहां साकार होती है। तो केवल शून्य के बारे में नहीं, केवल जोड़ने घटाने के बारे में भी नहीं, आज का जो उच्च गणित है उसका भी आधार यह ऋचा हमारी है। अंकों की चर्चा मैंने उद्घाटन सत्र में की थी, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्य उच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्य उच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो नाप्य उच्यते, स एक एव वृदेक एव। गणित के विद्यार्थी के नाते जो मंत्र दृष्टा है वो अंकों की चर्चा कर रहे हैं और वो कहते हैं वह एकमेव अद्वितीय है। ये जो एकमेव अद्वितीय है सब में समाहित है, सभी में सन्निहित है, वो शून्य में भी सन्निहित है, एक में भी सन्निहित है, हम सब में सन्निहित है, वो एकमेव अद्वितीय परमात्मा है। और वो जो एक है उस एक से जो समाहित है यानी गुणन की संक्रिया और संभूत होती है, प्रकट होती है। शून्य में एक का गुणा करेंगे तो शून्य रहेगा, एक में एक का गुणा करेंगे तो एक रहेगा, किसी भी अंक में एक का गुणा करते हैं तो एक है, वो सब में समाहित है। समाहित यानी गुणा, गुणन की संकल्पना। और विपरीत विचार करेंगे तो भाग की भी संकल्पना। तो ये जो दो ऋचाएं हैं जो मैंने आपके सामने प्रकट की, तो अष्ट परिक्रम की जो चार प्रक्रियाएं हैं उनका प्रादुर्भाव यहां से होता है। हम पूर्णाहुति के समय यज्ञ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, हमारे वेद विज्ञान केंद्र का यह और संकल्प मंत्र भी है, अनंत के बारे में उल्लेख है इसमें। अनंत में अनंत जोड़ने पर अनंत रहता है, अनंत में अनंत निकाल लेने पर अनंत रहता है, अनंत में अनंत का गुणन करेंगे तो अनंत होगा। तो अनंत का व्यवहार कैसा है उसकी संकल्पना यहाँ है। और इतना ही नहीं, अवकल गणित में जैसा मैंने शून्य के बारे में कहा, तो अनंत धन अनंत, अनंत ऋण अनंत, अनंत गुणे अनंत और अनंत में भाग दे अनंत का, तो जो सीमा और सातत्य लिमिट और कंटिन्यूटी में जो हमने पढ़ा है उसका भी यहाँ उल्लेख होता है। 1992 में जब हम वैदिक गणित का कार्य कर रहे थे तो हम उस समय नोबल प्राइज की घोषणा हुई थी और भौतिक विज्ञान में एक पारितोषिक जिनको प्राप्त हुआ उनके कार्य का भी उल्लेख आया। उस समय हम लखनऊ में वैदिक गणित के कार्यशाला में थे और इंटरमीडिएट के जो प्रवक्ता हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। हमारे एक विद्वान ने कहा ये जो भौतिक विज्ञान में नोबल पुरस्कार मिला है वेद की इस ऋचा का है, हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र इस दिशा में काम कर रहा है। तो उस समय उनसे मैंने कहा कि आपने कहा कि वेद की इस ऋचा से ये नोबल पुरस्कार मिला है, जिन्होंने भी ऐसा उल्लेख किया है उनसे मेरी प्रार्थना है कि अगले वर्ष जो भौतिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार मिलने वाला है वो वेद की किस ऋचा से मिलने वाला है, आज हम कह सकते हैं क्या? ये कहते कहते ये जो और अपने प्राचीन ग्रंथों के चरण बंदगी चारण कार्य हम करते चले आ रहे हैं, हमारे पुरखों ने किया है कोई बात निश्चित रूप से किया है, बहुत पराक्रम किया है, लेकिन 47 में देश स्वतंत्र हुआ और 73 वर्षों के पश्चात भी हम वेद की ऋचाएं ही पलटते रहेंगे जब कोई विदेशी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। आज हमको ये चुनौती स्वीकार करने की आवश्यकता है
कि अगले 10 वर्षों पश्चात जो नोबेल प्राइज मिलेगा वो वेद की इस ऋचा से मिलेगा, इस प्रकार की अध्ययताओं की आज आवश्यकता है, इस चुनौती को वैदिक विज्ञान केंद्र अवश्य स्वीकार करेगा। ऐसे में प्रार्थना करता हुआ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। आप सबने इस कार्यशाला के लिए मुझे और प्रशिक्षक के रूप में सबको ऋषियों के ज्ञान को बताने के लिए सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सबके प्रति हृदय की अनंत गहराइयों से कोटिशः आभार प्रकट करता हुआ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। प्रतिभागियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत तल्लीनता से बहुत मग्न होकर के विषय को और ग्रहण किया है, उसके और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम संगक्षध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने वेबिनार के माध्यम से या सेमिनार के माध्यम से न केवल कुछ अंशों में अपितु भारत नहीं पूरे विश्व से जो इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े सबने आपके ज्ञान से जो है कुछ न कुछ सीखा और वैदिक गणित के प्रति कुछ करने का सब में मन में एक लालसा उत्पन्न हुई। और इसी संपूर्ति सत्र के जो हमारे आज के सारस्वत अतिथि हैं वह स्वयं स्वनाम धन्य हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। आप न केवल भारत में अपितु सर्वत्र विश्व में भी आप जो है ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं और वर्तमान में आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर सुशोभायमान हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए मैं अब इस मंच पर प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं कि वह अपना उद्बोधन हम सब के समक्ष रखें और इस कार्यक्रम को गति दें। प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस दिव्य और पावन कार्यक्रम में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक अध्ययन केंद्र के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक वैदिक विज्ञान केंद्र के मार्गनिर्देशक परमादरणीय सम्माननीय दिनेश जी भाई साहब को मैं प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वनाम धन्य जिनके परिश्रम से और जो प्रतिदिन अहर्निश वैदिक विद्याओं की और वैदिक चिंतन के और संस्कृति उत्थान न्यास के शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव के रूप में जिन्होंने भारतीय संस्कृति को और भारतीय शिक्षा की व्यवस्थाओं को बहुत ही गति दी है, ऐसे माननीय श्री अतुल कोठारी जी। इस कार्यक्रम में जो मुख्य 7 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें जिन्होंने
अपने मार्गदर्शन से और अपने ज्ञान से, और जिन्होंने वैदिक गणित पर बहुत ही गहनतापूर्ण अध्ययन किया है और बहुत लंबे समय से इस गणित वैदिक गणित की विषय में आपका प्रशिक्षण आप देते हैं, ऐसे सम्माननीय प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी इस कार्यक्रम में पधारे। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो इस कार्यक्रम के समन्वयक हैं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, और आपने इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से समायोजित किया और इसका प्रारंभ किया, अन्य इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सम्मानित आचार्य एवं छात्र छात्राएं और अन्य उपस्थित श्रोतागण, मैं सबका इस कार्यक्रम में अभिवादन करता हूं। आज का जो ये विषय है वैदिक गणित, भारतीय ज्ञान विज्ञान का जो मूल आधार है, भारतीय विद्याओं का, भारतीय शास्त्रों का आदि स्रोत, या भारतीय शास्त्रों को परिभाषित करने का मूल बिंदु अगर कोई सोर्स है, कोई स्रोत है, तो वो वेद हैं। बिना वेद के और बिना वेद ज्ञान के और बिना वेद के प्रमाण के कोई भी शास्त्र या कोई भी विद्या आगे न प्रमाणित हो पाती है और न ही वह आगे बढ़ पाती है। बहुत से लोगों ने आज भी, बहुत से दर्शन पहले भी रहे, तो एक दृष्टि आती है कि जहां वेद ही सबको प्रभाषित करता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, वेद का ही वेदत्व जहां है उसी के द्वारा विद्याओं का संप्रसारण आगे बढ़ता है। गणित जैसी विद्या, गणित जैसा शास्त्र, अगर हम गणना के शास्त्र को देखते हैं तो इस दुनिया में सबसे प्रारंभ से ही, सबसे आदि से ही, जब प्रकृति पुरुष ब्रह्म की माया कोई भी विधान ले लीजिए आगे बढ़ा होगा, तो गिनती पहले से ही हो गई, अद्वैत है या द्वैत है, एक है या दो है, चाहे शून्य ख है, शून्यवादियों के जो शून्य है, और अद्वैत का अखम ब्रह्म है। ये सारा का सारा प्रारंभ यदि कोई होता है तो वह गणित से शुरू होता है, और गणित का जो बीज है, गणित का जो बीज है वह मूल रूप में ख है। ख खम ब्रह्म, वह ब्रह्म है, वह आदि सत्ता है, जो हा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जो निर्वचनीय है, वो शून्य। और जब तक शून्य की परिभाषा नहीं आती है तब तक अंकों का निस्सरण आगे नहीं बन पाता है। जैसे कि अभी हमारे माननीय वक्ता कैलाश विश्वकर्मा जी ने कहा कि भाई जो शून्य है, जब तक हम शून्य की व्यवस्था नहीं आएगी तो शून्य के ही मेल से चाहे एक दो तीन चार संख्याएं आगे बढ़ती हैं, संख्याएं पीछे जाती हैं, शून्य ही सीमा है और शून्य ही असीम भी है। जब हम शून्य को परिभाषित करने की बात आई तो बहुत से विद्वानों ने, दुनिया के सारे विद्वानों ने कहा कि साहब शून्य को, बहुत बाद में आकर के जब कैलकुलस गणित आई तब लोगों ने शून्य को परिभाषित किया, परंतु वो भूल जाते हैं कि भारतीय ज्ञान जो एक परंपरा है, बहुत आदि परंपरा, और अगर उसमें गणित के आचार्यों में देखते हैं तो गणित के आचार्यों में जो कैलकुलस गणित आई वो बहुत बाद में आई, जो अभी कहते हैं, परंतु उसके जो मूल सूत्र हैं सबसे पूर्व वैदिक काल से, और वैदिक काल में शून्य को परिभाषित करने के लिए दो सूत्र दिए, दो मंत्र दिए, जिसमें उन्होंने कहा अणोर अणियान महतो महियान, अर्थात जो अणु से भी अणु की तरफ जा रहा है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ जा रहा है, सूक्ष्म कहां होगा, उसी चीज को आगे आकर के भास्कराचार्य जी ने बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया, यह राशि न्यूनात न्यूनतरम प्रति गच्छति न्यूनासन्नम भवति
तदेव शून्यम। अर्थात जो राशि छोटे से छोटे की ओर जा रही है और आखिर में सबसे छोटे के पास पहुंच जाती है उसको वह शून्य कहते हैं। और अनंत किसको कहा? ठीक इसी प्रकार से महतो महियान, जो बड़े से बड़ा है। और अगर हम किसी सामान्यतया किसी बच्चे को पूछे कि सबसे छोटा क्या है, तो वो कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई हमारे सामने रखेगा। अगर वो गणित पढ़ा हुआ है जो सामान्य बच्चा है, तो वो कहेगा एक सबसे छोटा है। और जो उससे और अच्छा गया तो वो कहेगा नहीं, 0.1 सबसे छोटा है। उसके और आगे जाएगा तो वो कहेगा 0.0.0.1 छोटा है। परंतु जब वो और आगे किसी को जाएगा, जब वो 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 कहेगा, ये छोटा है। ऐसा करते करते जब व्यक्ति अपने जीवन में अगर वो सुबह 0.000 करके 0 बोलता चला जाता है और शाम को वो अगर 1 लगा देता है तो वो शून्य होगा। परंतु यदि इसी प्रकार की हम कल्पना करते हैं कि वो यदि 0.000000 के जीवन भर अगर बोलता चला जाता है और आखिर में 1 लगाएगा तो वो 0 होगा, वो शून्य होगा। इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की बात, इसलिए जो गणित के बहुत अच्छे आचार्य, जो गणित को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, वो अगर शून्य को समझने की बात करते हैं और शून्य को देखते हैं, तो पहले शून्य को परिभाषित करने के लिए हम क्या इस प्रकार की संख्या को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या हम इस प्रकार की संख्या को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या हम इस प्रकार की संख्या को किसी को समझा सकते हैं? समझाने का हम प्रयास कर सकते हैं, समझा कि नहीं समझा ये वही जान सकता है। अर्थात हम उस संख्या की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, वाणी का विषय से भी परे वो चीज चली जाती है, जहां हम अवाक हो जाते हैं, जहां हम सिर्फ हमारा चिंतन रह जाता है। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वह शून्य है और वही ब्रह्म है। उस शून्य और उस ब्रह्म को जब हम जानने की बात करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि शून्य कितना छोटा है। और शून्य को परिभाषित, क्या कभी कोई चीज शून्य होती है? नहीं होती है। तो यदि हम इसी चीज को आज हम चाहे उसको ब्रह्म से, जो ब्रह्म की बात आती है वहां से लेते हैं, और आखिर आकर के भास्कराचार्य जी ने इसी चीज को कहा कि यदि भास्कराचार्य से पहले ब्रह्मगुप्त ने कहा कि भाई जो खहर राशि है, जिस राशि के हर में शून्य है, उसको उन्होंने कहा खहर राशि है। भास्कराचार्य ने सबसे पूर्व कहा कि जो खहर राशि है वो राशि अनंतो वे राशि, वह राशि अनंत है। अर्थात जब हम किसी भी संख्या में शून्य का भाग देंगे तो राशि अनंत होगी। तो अनंत का अभिप्राय ये हुआ कि पहले शून्य है, वो शून्य की जो सीमा है, जब हम वो इतना सूक्ष्म है, इतना है, तो जब तक हम सूक्ष्म की परिभाषा निश्चित नहीं कर पाएंगे तब तक हम अनंत की सीमा भी निश्चित। तो ये शून्य और अनंत ये एक ऐसी विधाएं हैं कि जो गणित के प्राण है। इसलिए गणित का जो पहला अंक शून्य है, वो शून्य में पूरा संसार समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए जो खम ब्रह्मा की जहां तक बात आती है, वह शून्य से प्रारंभ होता है। तो जब शून्य से आगे बढ़ते हैं, प्रकृति आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते जब गई, तब संख्याएं आई और संख्या जाती है। तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो वैदिक चिंतन है, जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित का जो विचार है। एक और बात आई कि गणित का आज हमारे सामने, जैसे विश्वकर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, और वो ये बात ये कही कि यहाँ पर जो गणित की जहां तक बात आती है, वहां विद्यार्थी आज गणित को देख करके सब आत्महत्याएं कर जाते हैं। गणित को देख करके लोग बहुत डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों आत्महत्याएं करते हैं? अगर हम इस विषय में चिंतन नहीं किया, कारण क्या है कि जो वैदिक चिंतन है, जो वैदिक सूत्र है, उन सूत्रों में एक सूत्र है अवलोकन विधि। जब हम किसी भी समस्या को या किसी भी बिंदु को या किसी भी सूत्र का एक बार अवलोकन करते हैं, उसके बाद उसका चिंतन करेंगे और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि इसका समाधान और इसका निर्णय कैसे होगा। आज की दृष्टि में आज उल्टा हो गया। जब गणित को हम इतना
कठिन बना दिया, इतना कठिन बना दिया। और मैं समझता हूं गणित उस दिन से कठिन हुआ जिस दिन गणित को हमने मात्र एक फार्मूले में डाल दिया, और एक फार्मूले में डालने के बाद हम बच्चे को उसी फार्मूले में दौड़ा दिए, और दौड़ाने के बाद बच्चा उसी में चल करके पिस गया और वो डर गया। होना ऐसा नहीं चाहिए था। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ये कि ये फार्मूला कहां से आया, इस पर बच्चे को चिंतन करना था, बच्चे को समझाना था, समस्याएं थी, एक विधि से हम उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं। पर आज क्या हुआ कि हमने गणित के अध्ययन को एक फार्मूले में डाल दिया और उस फार्मूले से बच्चे को कठिन हो गया। अब आप इतना विचार करिए, एक गणित को जब एक कैलकुलेटर से हम उसको हल कर सकते हैं, कंप्यूटर जो एक निर्जीव है उससे हम हल कर सकते हैं, और हो सकते हैं जब हम समाज में तो आप दोबारा ऑडिबल है, मैं ले लूं आपको, ऑडिबल है जी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो समस्याएं बहुत सरल थी उसको हमने कठिन बनाने का प्रयास किया, और कठिन बनाने का जो प्रयास तब से शुरू हुआ जब हमने अपने प्राचीन परंपरा को, अपने चिंतन को हमने छोड़ दिया। और छोड़ने का अभिप्राय यह हुआ कि हमने छात्रों को एक फार्मूले में डाल दिया जबकि हमारे पास बहुत से तरीके से उस पे आंसर निकालता है, और बहुत फार्मूलों के माध्यम से वह उस पर अपना अगर हमने किसी बच्चे ने कहा कि भाई उसको दिल्ली से मेरठ आना है और वो हमेशा दिल्ली से मेरठ आया है तो उसने एक सूत्र देखा है, और अगर वो गाजियाबाद में खड़ा था और पढ़ाने की पद्धति है, इस पद्धति को जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हम बच्चों को इस साइको से बाहर नहीं निकालेंगे, और जब तक बच्चों को इस जो डरावना हमने एक माहौल बनाया है गणित की तरफ ये बाहर नहीं आएगा, तब तक ये बहुत इजी नहीं होगा। मेरा इतना ही कहना है जो वैदिक गणित जैसी जो इतनी अच्छी विधि है उस विधि को आज तक लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें नए नए तर्क देते हैं, और तर्क क्या देते हैं कि वेद में तो ये सूत्र है नहीं। अरे भाई हमने कहा कि वेद आप क्या समझते हैं, क्या वेद उतना ही है जितना आपके पास अभी है? वेद तो एक परंपरा है, और वेद तो श्रुति है, और वेद तो सुन करके रहता है, जितना अभी आपके पास आए के पास सिर्फ 9 शाखाएं बची हुई हैं, तो जो बहुत बड़े वेद के विद्वान जो कहते हैं कि ये सूत्र तो वेद में नहीं मिलते हैं, तो क्या उन्होंने वो 1,131 शाखाओं को देखा?
कुछ नहीं देखा, न देखने के कारण, और अगर उनको समझ में कोई चीज नहीं आती है, उनके द्वारा कोई चीज आश्चर्य लग रहा है, तो ये कहने के लिए उनको बहुत इजी हो जाता है कि ये तो कहीं था ही नहीं और ये इसमें है ही नहीं। तो ये एक परंपरा नहीं परंपरा है, हमें इस पे ध्यान न दे करके हमको सिर्फ उस परंपरा पे ध्यान देना है, वैदिक जो हमारा गणित परंपरा है। केंद्र काशी विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय वैदिक गणित की कार्यशाला के आयोजन के समापन समारंभ के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी टोली, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा मुख्य तो है, मेरे परिचय में कई बार आ जाता है कि मैं विद्वान हूं, मैं नई शिक्षा नीति निर्माण में मेरा बहुत योगदान रहा है, तो थोड़ा इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान वगैरह कुछ नहीं हूं, मैं सामान्य से कार्यकर्ता हूं। और शिक्षा नीति में देश में बहुत लोगों का योगदान है, उसमें भी प्रयास किया, इतना ही मात्र है। भारतीय ज्ञान का परंपरा की एक बात, एक भाग है वैदिक गणित है। भारतीय ज्ञान परंपरा की विभिन्न शाखाएं हैं, उसमें गणित एक शाखा है, गणित की शाखाओं में एक शाखा वैदिक गणित है। और एक ही ज्ञान परंपरा की विभिन्न शाखाएं, इसमें गणित एक शाखा, गणित की विभिन्न शाखाओं में एक वैदिक गणित, इसका बहुत प्रचार प्रसार अभी देश में हुआ नहीं, फिर भी उन पर 7 दिन की कार्यशालाएं हो सकती है, तो कुल मिलाकर हमारा ज्ञान कितना व्यापक होगा ये कल्पना करना है। दुर्भाग्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की कुछ लोग चर्चा देश में कर रहे, एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे ज्ञान वास्तव में मूल्य क्या है ये हमारा देश ही ज्यादा तक पहचान नहीं पाया, हमारे विद्वान उसको समझ नहीं पाए अभी तक। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट को माना जाता है, वैज्ञानिक माने जाते हैं, हमारे देश के विद्वानों ने भी शायद नहीं कही है। एक बड़ी पुस्तक है हमारे पास, उसमें ऐसे सारे दुनिया भर के मनीषियों के भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाएं, भारतीय गणित आदि आदि विषयों में जो कहा है, उसकी एक बड़ी किताब है। सूत्र रूप में वाक्य सिर्फ विद्वानों के दिए गए उसमें, दुनिया भर के, यानी उसमें एक ही वाक्य का जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। ये बात अब्दुल कलाम जी ने अपनी किताब में लिखी है। तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर ये मान रही है, लेकिन हमारे यहां ही इसका विस्मरण हो गया, आत्मविस्मृति हो गई। यानी वैदिक गणित की बात करें तो माननीय सूर्य सोनी जी ने अपनी किताब भारत ने जब इन पर काम किया और अभी कहीं इतिहास ये लिखित नहीं, लेकिन तो जिन विद्वान ये बातों को जानते हैं, स्वामी जी ने ये 16 सूत्रों के ऊपर से 16 किताबें लिखी थी, वो हस्तलिखित किताब में गायब हो और उसी के आधार पर वैदिक गणित का सारा काम आगे बढ़ा है। तो इस किताब के बारे में जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कुछ लोग लेकर गए
उनको बताया तो ये आपकी पुस्तकालय में होनी चाहिए और उस पर कुछ काम होना चाहिए यहाँ। तो टाटा इंस्टीट्यूट, देखिए हमारी सोच के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा मानस क्या हो गया भारत के विद्वानों का। जब कुछ वर्षों के बाद इंग्लैंड से एक गणितज्ञ निकोलस आया और जब इस पुस्तक के बारे में और इस विधा के बारे में वैदिक गणित के बारे में जब वहां सारा वर्णन किया तब हमारे वहां के विद्वानों को लगा कि हाँ ये भी ज्ञान है कुछ। तो ये जो मनस्थिति है इसको पहले कार्यशाला का उल्लेख किया, मुझे इसलिए बहुत आनंद है इस कार्यक्रम में कि जब शिक्षा उत्पाद न्यास ने वेदिक का काम शुरू किया तो पहली 6 कार्यशालाएं राष्ट्रीय स्तर पर की थी, इसकी मैं एक कार्यशाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय में की गई थी। तो बहुत कम समय 10 साल हुआ है भी तो कार्य शुरू हुए। तो पहली बात तो ये कि देश भर में भारतीय ज्ञान परंपरा का व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को वास्तविक ज्ञान क्या है उसका समझ में आए इस कारण से। तो एक आनंद की बात ये कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विषय आ गया, इस जहां ये बात करना असंभव था ऐसे जवाहरलाल नेहरू हिंदू विश्वविद्यालय के बाद अनुकूलता हो गई कि शिक्षा नीति के विषय आ गया है। तो अभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इस वेबिनार में इस कार्यशाला में जो प्रतिभागी के रूप में अभी जो जो लोग समय वैदिक विज्ञान केंद्र का ये काम नहीं है तो इस प्रकार की वैदिक गणित से लेकर विभिन्न ज्ञान की हमारी शाखाएं हैं उस पर एक व्यापक चिंतन अभी प्रारंभ हो जाना चाहिए क्या कि वास्तव में ज्ञान है क्या। आज तो अधिकतर विद्वान इससे अपरिचित है, जो सुनना नहीं चाहते समझना नहीं चाहते, वैदिक गणित पर एक वैदिक गणित के विरोध में एक लेख एक समाज छपा। तो मैंने उनको पत्र लिखा तो हमारा काफी पत्र का 2-3 पत्रों का आदान प्रदान हुआ, बाद में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये तर्क कुतर से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो इस स्थिति में से पहले बाहर हमको निकलना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, प्रमाण तथ्यों के आधार पर बातें की जा रही है और आज के व्यवहारिक शिक्षा है उसमें उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। अभी भारतीय ज्ञान परंपरा वेदिकरण की जो बात है तो इस पर बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। विद्या भारती शिक्षा सूत्र उत्थान न्यास ये एक सामाजिक तैयार किया है, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए प्रमाण पत्र क्रेडिट कोर्स वो भी तैयार किया, 10 विश्वविद्यालय में हमने एमओयू करके उसको शुरू भी किया है। लेकिन बहुत
मुझे लगता है कि एक एक काम किया जाता तो हमारे बहुत सारे विषयों पर काम हो गया होता है। तो हमारी विश्वविद्यालय सिस्टम है, इसमें जब तक इन बातों का स्वीकार्यता नहीं होगी, स्वीकार्यता होने की तरह कुछ विषयों में काम हुआ है, कुछ लोगों ने विद्वानों ने किया भी है, जैसे प्रबंधन शिक्षा का उदाहरण दिया गया, तो प्रबंधन शिक्षा, चाणक्य का प्रबंधन, गीता का प्रबंधन, रामायण का प्रबंधन, ऐसी किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी। ऐसे गणित की भी इस प्रकार की किताबें, हमारा प्राचीन गणित, हमारा भारतीय गणित, इस पर किताबें मिल जाएंगी। लेकिन प्रबंधन के मैंने उदाहरण दिए, लेकिन प्रबंधन आज का पाठ्यक्रम है उसमें इसका समावेश कैसा किया जाए, कैसे होना चाहिए उस पुस्तकों में, उस पाठ्यक्रमों में इसके कैसे समावेश किया जाए, इस पर शायद काम नहीं हुआ। तो वैदिक विज्ञान केंद्र में मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक आज तक हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य में इसका समावेश नहीं होगा, बात लेकिन हमारे सिस्टम में इस वैदिक विज्ञान संस्थान डॉक्टर कैलाश जी को, ऐसे और भी कुछ विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो अपना योगदान कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक विषयों के पाठ्यक्रम पर धीरे धीरे काम हो, जैसे वैदिक गणित अगर बीएससी के गणित के स्तर पर अगर उसको समावेश किया जाता है तो फिर सारी गणित में वो क्रमबद्ध रूप से आ जाएगा। तो इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से इसके ऊपर काम करने का विचार करने की आवश्यकता, क्योंकि ये हमारा ज्ञान है, जब तक व्यवहारिक उपयोग में नहीं आएगा तब तक इसको स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। हम लोगों को वैदिक गणित के बारे में बहुत अच्छे अनुभव आए और इनकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी, इसका कारण यही है कि व्यवहारिक रूप से वैदिक गणित सिखाया गया। स्वामी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसी थी जो उन्होंने ध्यान किया, उस पर से कुछ काम हुआ था और बाकी
फीट से ज्यादा कहीं नहीं होता है। लेकिन हमने जब शुरू शुरू तो उनकी हमने सवा सवा घंटे के कालांश रखे थे, विद्यालय के बच्चे थे, सवा घंटे का कालांश पूरा हो गया, बीच में चाय का समय, फिर भी वो कास चल और बच्चे आनंद कर रहे थे इनके में। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था आनंददायक थी, इसका परिणाम ये है। आज हमारी शिक्षा बोझ बन गई है, गणित सबसे ज्यादा बोझिल लगता है बच्चों को, क्योंकि उसमें एक ही ट्रेडिशन कि उसका जो उत्तर आया है वो उत्तर सही है कि नहीं, वो भी आप जांच सकते स्वयं। आज के गणित में व्यवस्था तो इस प्रकार का ये श्रेष्ठ ज्ञान वैदिक गणित बहुत कुछ आज न करता है, तो पहली बात तो ये निश्चित रूप से कर देगा कि बच्चों के गणित के भय से मुक्त कर देगा, इसमें आनंद आने लगेगा। कि बच्चों को गणित के भय से मुक्त कर दिया, और इतना नहीं, आज की प्रतियोगी परीक्षा में वैदिक गणित अमदिन मनाना वहां तक सीमित नहीं रहना है। रामानुजन ने जो कार्य किया है इतना बड़ा कार्य है कि उनकी तीन हस्तलिखित डायरी थी, बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने उसको प्रिंट किया, उस तीन पुस्तकों का सोल्यूशन आज तक दुनिया के कोई गणित शास्त्री नहीं कर पाए, और कर पाएंगे तो भारत के कोई गणित शास्त्री कर पाएंगे। दुनिया के गणित शास्त्री ने बहुत सारा प्रयास कर लिया, अनेक प्रयास करके छोड़ दिया लोगों ने। तो इस दृष्टि से मैं आशा रखता हूं कि कोई भारत का ही गणित शास्त्री इस काम को कर पाएगा। तो इस दिशा में कार्य को प्रारंभ करने के लिए रामानुजन जयंती हमने मनाना है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाना है। तो इस प्रकार के कार्य को एक लक्ष्य बनाकर, एक दीर्घकालीन काम करने की योजना बनाकर हम अपने अपने शैक्षिक संस्थानों में प्रारंभ करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नियंताओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा को हर स्तर पर समावेश करने की बात कही है, उस दिशा में हम सफल भी होंगे। एक सार्थक प्रयास की आवश्यकता है, और अगर ये प्रयास हम कर पाए, जैसे कैलाश जी ने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने शून्य दिया, प्रश्न पद्धति दिया, बहुत कुछ ऐसे प्राचीन जगत में दुनिया को हमने दिया है, लेकिन पिछले 150 साल में हम दिया नहीं है, लेने की बात कर रहे हैं। तो भारत का लेने का स्वभाव नहीं है, भारत का देने का स्वभाव है। उस दिशा में आगे के दिनों में बहुत कुछ हम दे सकते हैं दुनिया को, योग के माध्यम से हमने बहुत कुछ दिया है, आगे के दिनों में आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत कुछ दे पाएंगे। ऐसा एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये वैदिक गणित है, इसमें हमने अगर ठीक ढंग से काम कर लिया तो अगले 5 साल में पूरी दुनिया भारत के पास वैदिक गणित लेने आएगी, इस प्रकार का विश्वास रखकर हम इस दिशा में सब मिलकर प्रयास करें, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना। और वैदिक विज्ञान केंद्र को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं और धन्यवाद इस प्रकार के एक सुंदर कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में मुझे भी निमंत्रित किया और मुझे मेरे विचार रखने का अवसर भी दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में हम सबको जो है अपने विचारों से लाभान्वित किया। और आज यह संपूर्ति सत्र है, क्योंकि आज यह कार्यशाला वेबिनार जो है वह संपन्नता की ओर अग्रसरित है और हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम सोपान की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं हमारे जो शंकाय प्रमुख हैं, महनीय संस्कृत साहित्य के तो विद्वान ही हैं, साथ में आपके पास गीता, वैदिक दर्शन आदि विभिन्न शास्त्रों का भी आपका अध्ययन प्रगाढ़ है। ऐसे हमारे स्वनाम धन्य आचार्य प्रोफेसर श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र गुरु जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वह अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। आज के आप संघायक भी हैं श्री प्रसाद मिश्र गुरु जी। हरि ओम। सुशील खत्म हो गया, आओ तो भाई। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं अहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वैदिक विज्ञान केंद्र के द्वारा आयोजित सप्ताहावधिक इस गणित विषय कार्यशाला के समापन पर्व का यह बड़ा ही मंगलमय अवसर है। इसमें सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि के रूप में जो विराजमान श्री दिनेश चंद्र जी हैं, आदरणीय वरिष्ठ सदस्य के रूप में वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक हैं, विश्व हिंदू परिषद नई दिल्ली में। सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के माननीय कुलपति हैं। मुख्य वक्ता जिनको अभी हम सुन रहे थे, श्री अतुल कोठारी जी राष्ट्रीय सचिव हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के। सम्मान्य विश्वकर्मा जी जो प्रशिक्षक के रूप में 7 दिनों तक इस वैदिक गणित कार्यशाला का उद्भावन उद्बोधन करते रहे, प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा राष्ट्रीय संरक्षक वैदिक गणित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली। इस कार्यक्रम में जो आधारभूत रूप से जुड़े हुए हैं हमारे प्रिय प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हैं, इसमें जिनकी विशेष सहभागिता रही है, प्रोफेसर शशिकांत मिश्र हैं आचार्य गणित विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और संचालन के रूप में हमारे डॉक्टर भट्टराय जी हैं, सभी को नमस्कार करते हुए अपना उद्बोधन आरंभ करते हैं। यह वस्तुतः आज का जो सत्र है अत्यंत विचारोत्तेजक सत्र यह रहा है। समापन में वस्तुतः समापन शब्द का तात्पर्य होता है सम्यक रूप से जितने प्राप्त हो जाए। आजकल ऐसा समझते समापन का तात्पर्य मतलब है कि
वस्तुतः कोई चीज विच्छिन्न हो गई, जो चल रही थी वो उसकी धारा टूट गई, किंतु कुछ प्राप्त हुआ। आपन का तात्पर्य प्राप्त होना। तो वस्तुतः आज के सत्र में जो उद्घाटन सत्र था उसमें जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर वैदिक गणित का उद्भव जहां से हुआ, पूज्य पूर्व शंकराचार्य उनका उनके द्वारा आविष्कृत यह विद्या है, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज और उस दिन भगवत पाद शंकराचार्य जी ने, जो कि स्वयं गणित के बड़े विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने गणित पर लगभग 25 पुस्तकें लिखी हुई हैं, पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चला सरस्वती जी महाराज, उन्होंने विशेष रूप से अपना उद्बोधन देकर के इस कार्यशाला का शुभारंभ किया था। और आज अतुल कोठारी जी के द्वारा ही हम इसका समापन मानते हैं, उनके वक्तव्य के द्वारा। जितनी बातें यहाँ कही गई, विशेष रूप से हमारे प्रमुख वक्ता जो व्यावहारिक रूप से 7 दिनों तक वैदिक गणित के मूलभूत जो विचार बिंदु हैं उनका, उनको जितने हमारे जिज्ञासु कार्यशाला में जुड़े हुए प्रशिक्षु थे उन सबका उद्बोधन करते रहे। वैदिक गणित के जो व्यावहारिक सूत्र हैं उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और उनकी चर्चा अंततः सब सिद्धांत प्रयोग में परिणत होने चाहिए, इस भावना से अभी कोठारी जी भी यही बात कह रहे थे कि केवल सिद्धांत से नहीं, अगर हमारे प्रयोग में ये वैदिक गणित आएगी तो उसका एक सूत्रपात वैदिक विज्ञान केंद्र ने किया और उसके आधार पुरुष रहे हमारे विश्वकर्मा जी, कैलाश विश्वकर्मा जी। आज का उनका उद्बोधन भी बड़ा ही गंभीर था। प्रथम दिन भी वो दर्शन की बात कह रहे थे, विशेषकर वेद के खम ब्रह्म से उन्होंने बात आरंभ की, शून्य इत्यादि की जो गंभीर बात है, शून्य पर इतना विचार विमर्श हुआ है भारतीय परंपरा में, दर्शन के क्षेत्र में भी हुआ है, गणित के क्षेत्र में भी हुआ है और ज्योतिष के क्षेत्र में भी हुआ है। पहले दिन भी मैंने वस्तुतः इस सृष्टि का स्वरूप जो है 3 प्रकार का है, एक है आध्यात्मिक, एक है आदिदैविक और एक है आदि भौतिक। आदि भौतिक जगत में जो कुछ होता है उसकी भूमिका बनती है आध्यात्मिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत का संचालन ये दोनों के सेतु के रूप में जो संचालन होता है वह आदिदैविक जगत है। तो गणित का जो व्यावहारिक पक्ष है गणना, आप देखें कि गणना सारे विश्व में व्याप्त है, संसार में हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग सब अवयव, उनका विन्यास, यहाँ तक कि वृक्षों का, वृक्षों में जो एक शाखा होती है तो शाखा में किस शाखा में अलग अलग वृक्ष में कितनी पत्तियां हैं, कितनी पत्तियां होती हैं, क्या सब कुछ गणित है। ऋतु पर्यावर्त पूरा गणितमय है, तो विश्व पूरा गणितमय है। यह इस व्यावहारिक दर्शन का जो अंकन है, यह जब हम बुद्धि की भूमिका में आते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हमारी श्रुति भगवती ये कहती है, एक ऐसी स्थिति है जहां हम कुछ कह नहीं सकते, शून्य और अनंत। शून्य वस्तुतः निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप है, जैसी अभी चर्चा की गई थी, निर्विशेष ब्रह्म। जब भगवती श्रुति कहती है एको हम बहुश्याम प्रजायेय, जब उसमें संकल्प का उदय होता है, तो शून्य जो वर्तुलाकार शून्य की आकृति हम इसीलिए हमारे यहाँ रेखांकित की गई, ये भी बड़ा मनोविज्ञान लिपि विज्ञान के साथ में भी अंकन जो पद्धति है, इसीलिए उनको अंक कहते हैं, अंक्यन्ते इति अंकाः, जो लिखे जाते हैं, तो शून्य वर्तुलाकार होता है और वर्तुलाकार शून्य से जब एक शाखा एक संकल्प आगे बढ़ता है तो एको हम बहुश्याम प्रजाये, यह भावना जागृत होती है। तो एक जो है वह बहुभवन की प्रक्रिया है और वही एक जब आगे अपने विवर्त उपस्थित करता है तो मूल रूप से वह 9 विवर्तों में पहुंच जाता है। और देखिए एक तो शून्य अनिर्वचनीय है और शून्य के आगे जब एक बनता है, अर्थात वो उस शून्य से आगे की इच्छा करता है, तो वह ब्रह्म जो है सविशेष बन जाता है।
तो सविशेष ब्रह्म है और एकमेवा द्वितीय श्रुति के द्वारा उसका विस्तार होता है और फिर जब वह लौटता है तब अनिर्वचनीय ख्याति ही होती है। इस प्रकार से शून्य और एक का सारा प्रस्तार यह गणित तत्व है। तो इस दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझ करके और जब हम दर्शन के रूप में गणित का चिंतन करते हैं तो गणित एक उपासना भी बन जाती है। मैं इस पक्ष को कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो व्यावहारिक विद्या है, सबसे बड़ी भारतीय और जो वैदिक विद्याएं हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो यांत्रिक विधा से केवल व्यावहारिक पद्धति से व्यवहार साधने की ही विद्याएं नहीं। वो जैसे व्याकरण है, तो व्याकरण ऊपर से हम कहते हैं कि भाषा सीखने की बात है, अगर हम व्याकरण सीखेंगे तो हमें अमुक भाषा आएगी, लेकिन हमारा जो व्याकरण दर्शन है, संस्कृत का व्याकरण दर्शन है, तो वहां वाक्य पदियम की एक कारिका है कि यम हि मोक्ष माणा नाम, यह जो मोक्ष चाहने वाले हैं अजिम्मा राज पद्धति उनके लिए सरल मार्ग भी। तो व्याकरण से व्यवहार का भी साधन है, भाषा भी हम सीखेंगे और व्याकरण दर्शन के द्वारा हम जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे, जैसा कि कैलाश विश्वकर्मा जी ने आरंभ में कहा था कि हम भारतीय हैं और भारत की संपूर्ण विद्याओं का परम लक्ष्य है। कि दो विद्याएं हमारी श्रुतियों में कही गई, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या, द्वे विद्ये वेदितव्य, दो विद्याएं जानना चाहिए, एक पराविद्या एक अपरा विद्या। पराविद्या वही है कि हम अपने को जाने। अभी विश्वकर्मा जी ने जिन श्रुतियों का उद्धरण दिया था तो उसमें अणोरणीयान महतो महीयान की बात आई, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर निहितं गुहायां, तो यह आत्म तत्व में ही यह अणुता भी है, परम अणुता भी है, परम अणुरूप भी है और वही महत से महत भी है। अणु का देखिए हमारे यहाँ गणना और गणित का जो कितना विस्तार है, कितनी व्याप्ति है कि हमारा जो वर्तमान, अगर आज कोई कर्मकांड हम करते हैं, कर्मकांड का संकल्प करते हैं, तो हम ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध यह चल रहा है, ब्रह्मा की आयु तक हमारा चिंतन, काला परमाणु यो भूंगते परम श्रीमद भागवत में परमाणु काल का भी एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी अत्यंत सूक्ष्म इकाई, ज्योतिष और गणित में भी उससे भी आगे बढ़ करके परमाणु काल की भी चर्चा की गई है। तो गणित की इतनी व्याप्ति, गणित इतनी विद्या है, गणित मोक्ष की विद्या है, भोग की विद्या है, परमार्थ की भी विद्या है और यह व्यवहार की भी विद्या है। इस दृष्टि से हम अत्यंत उत्साहित हैं कि वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से यह उपक्रम किया गया और विचारोत्तेजक जो हमारे व्याख्यान आज हमको सुनने को मिले उससे हमारे सभी प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। आगे चल करके इस दिशा में हम कार्य करते रहेंगे। आप सभी को हमने सुना, आप सभी के ज्ञान से हम लाभान्वित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी और सारगर्भित रूप में हम सब आपके विचारों से लाभान्वित हुए। इसी क्रम में अब मैं इस कार्यक्रम की संपूर्ति के लिए, इस कार्यक्रम के जो पहले प्रथम संचालक थे एक प्रोफेसर शशिकांत मिश्र सर, आचार्य हैं आप गणित विज्ञान संस्थान में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गणित विज्ञान संस्थान में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे जो गणमान्य विद्वान हैं और अतिथि हैं सबका आप धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर शशिकांत मिश्र सर, मैं सबसे पहले श्रीमान दिनेश चंद जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया और वैदिक विज्ञान संस्थान को, केंद्र को अपना हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। और
अब गणित की बात आई है तो मैं केवल धन्यवाद तक नहीं रह सकता, क्योंकि अतुल भाई साहब ने बहुत कुछ कहा है और ये कार्यक्रम भी उन्हीं के कहने से हो रहा है। यद्यपि वो ये बात हमको 10 साल पहले कहे थे, मैं नहीं कर पा रहा था, इस बात का मेरे अंदर मतलब भान था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम और त्रिपाठी जी और संकायाध्यक्ष जी बिंदेश्वरी प्रसाद जी इकट्ठा हुए थे किसी और काम से, मुझे लगा कि ये बहुत सही समय है, कम खर्चे में हम लोग ये काम कर सकते हैं और ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अब भाई साहब जैसे बोले कि टाटा इंस्टीट्यूट में जब इन्होंने दिया तो वो नहीं लिए और इंग्लैंड से छोटा समझाया गया सालों साल कि हम छोटे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। वो तो कोई एक हम लोगों को आजाद करवा दिया, नहीं तो हम ऐसे ही गुलाम रहते जैसे थे। ये मानसिक गुलामी दिमागों में है, और पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, प्रोफेसर होने का क्या मतलब है। हम तो उसी पद्धति से पढ़ पढ़ के प्रोफेसर हुए। अगर मैं प्रोफेसर होने के पहले वैदिक गणित करने लगता तो आजीवन में प्रोफेसर नहीं हो पाता, रह जाता जो लेक्चरर उक्चरर कुछ, या हो सकता है स्कूल में अध्यापक ही रह पाता। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि इसको हम लोग जीवित तभी रख सकते हैं, है बहुत काम का है। जैसे कैलाश भाई साहब ने, प्रोफेसर कैलाश जी ने एडिशन के लिए माइनस का साइन लगाए बगैर केवल बार लगा दिया ऊपर, खटाखट एडिशन हो जा रहा है, खटाखट मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं। गणित सबसे मुश्किल क्यों आती है, अंग्रेजी पद्धति वाली, गुणा करने में सबसे जरूरी है कि उनको पहाड़ा आए। हम लोग तो प्राइमरी स्कूल में पढ़े तो पहाड़ा याद हो गया, क्योंकि शाम को गुरुजी एक गोला बनवाते थे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ना पड़ता था, तो वो हम लोग पढ़े नहीं, कान में गया, उससे याद हो गया, उससे हम गुणा कर मतलब टेबल हमको याद है। और जब भी आप गणित करने चलोगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं सर, मेरी बिटिया पढ़ती थी जब हमसे क्लास में 6th 7th में, तो मैं उसको कहता था इतने तक का पहाड़ा याद कर लो फिर हमसे पढ़ो, क्योंकि भागा देना होगा तुमको याद नहीं होगा, वो भाग जाती थी। अब पहाड़ा उसको याद हो तब ना आए, मुश्किल तो यहीं खड़ी हो जाती है। यहाँ गुणा करने का बड़ा आसान तरीका है। मेरा सुझाव ये है कि एक हम लोग सिलेबस बनाएं जहाँ प्राइमरी स्कूल में दर्जा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, गुणा करना, भागा देना, एडिशन करना, और जैसे आयत वगैरह का, सर्किल वगैरह का क्षेत्रफल निकालना, ये अगर हम लोग स्कूल में डाल दें, बड़े आराम से हमारी वैदिक गणित आगे बढ़ने लगे, और उसमें कोई हर्जा नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सबके सिलेबस में वही है, गुणा करना है, भागा देना है, 7th 8th में जाके एरिया वेरिया निकालना है, वो बड़े आराम से हम लोग अपनी वैदिक गणित से बच्चा आराम आराम से हंसते खेलते कर जाएगा, उसका गणित का डर दूर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। कोठारी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और देवी प्रसाद जी ने बहुत अच्छा अच्छा बताया हमको, हमें लग रहा है कि उनका वैदिक गणित पे काफी काम है। दिक्कत ये होती है कि मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे गणित आती है थोड़ी बहुत, और त्रिपाठी जी को संस्कृत आती है तो गणित नहीं आती है। तो मैंने त्रिपाठी जी को एक सुझाव दिया है, क्यों ना अपने वैदिक विज्ञान केंद्र में एक कोर्स चलाएं, जैसे हमारे यहाँ बीएससी में बीए में एक कॉम्बिनेशन होता है बीएससी का, फिलॉसफी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, या इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, या उसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है।
इस तरीके से संस्कृत मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या संस्कृत मैथमेटिक्स फिजिक्स का क्यों नहीं हो सकता है? अगर वो बच्चा संस्कृत भी जानता होगा, गणित भी जानता होगा, तो वो हमसे बेहतर काम वैदिक गणित में कर सकता है, आज नहीं 10 साल बाद। ये एक संभावना है जिस पे आपको विचार करना है उपेंद्र भाई, आपको अगर ये कर लें तो एक बहुत बड़ा काम होगा अपने वैदिक विज्ञान के लिए। कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू में ये प्लान कर रहे थे कि कई सारे विद्वान ले आए वैदिक गणित के, एक एक सूत्र पे काम हो। भाई साहब ने ही डायरेक्शन दिया कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं होगा, एक ही अध्यापक लीजिए जो सारी ये चीजें एक लाइन से पढ़ा दे। मेरे को अनुभव नहीं था कि ये इतना अच्छा अच्छा तरीके से ये गुणा कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को, तो मैं प्रोफेसर हूं, मुझे 2, 3, 4, 5 उसके बाद 9, 11, 13, 14, 15, 16 और उसके बाद 25, इन्हीं का स्क्वायर जमानी याद है, बाकी करना होगा तो का थोड़ा लिख लीजिएगा, बाकी हमने लिख दिया है ना। इन्होंने जो स्क्वायर का तरीका बताया, सारी संख्याओं का धड़ से निकल जाता है। और बीएससी में सारे बच्चे स्टैट के जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, उनको एक पूरा का पूरा कॉलम स्क्वायर ही करना पड़ता है, तो कैलकुलेटर लेके करते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। इस पद्धति से धड़ाधड़ हो जाएगा, अगर वो स्कूल में सीखे रहेंगे उनका बहुत समय बचेगा। तो पहले चरण में मेरी यही अपेक्षा है कि समहाउ जैसे भी हो एक सिलेबस स्कूल लेवल पे अपना हो, और जो सरकारें मान ले उन सरकारों में तो लगा देना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कोई सीबीएसई नहीं टोकेगा, न यूपी बोर्ड टोकेगा, भाई बच्चे को गुणा भागा स्क्वायर क्यूब निकालना है तो किसी भी विधि से निकाले, कोई अंग्रेजी माध्यम से निकाले, ऐसा तो जरूरी है नहीं, ये चल जाएगा फिलहाल के लिए। दूसरा, मैं चाहूंगा भविष्य में विश्वकर्मा साहब से, जैसे वो बता रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का 4-5 लाइन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी हो तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे बहुत परेशान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इतनी आइडेंटिटी है, इतनी आइडेंटिटी है, इतने फार्मूले हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं उनको रटते रटते। मैं खुद ही रटा हूँ सर, मैंने अपने से केवल रटा, उसके बाद किया, क्यों होता है कैसे होता है ये बाद में जब बड़ा हो गया तब समझ में आया, जब अपने पढ़ाना पड़ा हमको। मैं बिंदेश्वर प्रसाद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपना समय निकाल के यहाँ बैठे, और उपेंद्र जी लगातार रहे। मैं तो कई एक दिन किसी न किसी समस्याओं में घिरा था तो एक आध दो दिन नहीं जा पाया, बहुत सारे काम इकट्ठे हो चले आ रहे थे। और आपके सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना पेन लिए इन परिस्थितियों में, जब कभी अपना कंप्यूटर सेंटर काम नहीं कर पाता ठीक से, तब भी उन्होंने टेक्निकली इसको बहुत स्मूथ किया, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आज ही मैं एक दे रहा था नागालैंड एनआईटी में, उनका सिस्टम नहीं काम कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों ने मैनेज किया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस लाइन पे और काम होगा, और कुछ लिटरेचर भी अपने सेंटर में उपलब्ध हो जिससे बच्चे आगे भी पढ़ सकें। और हमारे बहुत सारे बीएससी एमएससी के बच्चों ने अटेंड किया है, पूरी की पूरी क्लास अटेंड की है, एंड दे आर एंजॉयिंग इट ए लॉट। मैं, मेरे पास खुद ये फीडबैक है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो ये बड़ा अच्छा होगा, और आगे फिर इसमें कुछ होगा मैं उम्मीद रखता हूँ जल्दी। धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत, प्रणाम। आपका बहुत धन्यवाद, और
यह कार्यक्रम अब समापन की ओर है, तो एक छोटा सा निवेदन और सूचना देते हुए कि आज भी हमारे कार्यशाला में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हम इस कार्यक्रम को सुना, आप सबको सुना, 1000 से ऊपर उन बच्चों की संख्या थी YouTube और विभिन्न फेसबुक इत्यादि के चैनलों के माध्यम से आज भी। तो कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम जो है भारत के नहीं पूरे विश्व के जिन लोगों को इसकी सूचना मिली, सब लोगों ने, गणित के प्रति रुचि रखने वाले अध्येताओं ने इसको सुना और इससे लाभान्वित हुए। इसी के साथ मैं अब इस कार्यक्रम को समापन करते हुए शांति मंत्र के साथ में इस कार्यक्रम का मैं समापन करने की वो करता हूँ। मेरे हमारे बीच में कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं श्री उपेंद्र सर, कुछ कहें सर तो समापन करें। ये मैं सबको समवेत रूप से धन्यवाद ज्ञापित तो आपने किया है, लेकिन समवेत रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जैसा कि अतुल कोठारी भाई साहब ने जो निर्देश दिया है उसके क्रम में वैदिक विज्ञान केंद्र काम कर रहा है और हमने 7 अनुभाग बनाए हैं और 7 अनुभागों में जो भी वेदों में या वेदांगों में जो विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष है, जैसे गणित है वैसे ही कृषि है, वैसे ही पर्यावरण है, वैसे ही रसायन विज्ञान का है और तकनीकी के क्रम में भी जो वास्तु और हमारा जो आर्किटेक्ट का जो पक्ष है, उन सारे विषयों के क्रम में हमने चेयर प्रोफेसर्स के संकल्पनाएं की हैं और मैं उसमें भी आपसे सहयोग करूंगा। और एक तो विशेष रूप से मैं यहाँ पर जो हमारे विश्वकर्मा सर हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अवकाश प्राप्त करने के बाद आप हमारे इस सेंटर का के आप सेवा दें, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के क्रम में हमारा यह जो गणित का जो एक भाग है वो अपने एक ऊंचाई तक पहुंचेगा और बहुत हमें सहयोग मार्गदर्शन आगे भी हमें मिलता रहेगा कोठारी जी का। और यह जो हमारा जो संकल्प मंत्र है उसके माध्यम से हम अपनी पूर्णता को जी। जब रात्रि भोज होता है रात्रि भोज के पहले एक गरम गरम उष्ण पेय दिया जाता है। जो 7 दिन की कार्यशाला थी वो जो रात्रि भोज है उसके पहले का उष्ण पेय है ये। जी जी जी, जी। तो हम लोग हमारा जो संकल्प जो मंत्र है उस मंत्र के साथ हम लोग अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। हम सभी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। पुनर्मिलामः सर्वेभ्यो नमो नमः।